कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को लेकर प्रधानमंत्री ने एक दिवसीय जनता कर्फ्यू के आह्वान के बाद स्थानीय जिला प्रशासन ने 22 मार्च से 25 मार्च तक नीमच जिले में जनता कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके बाद में गरीब निचली बस्तियों में रोजमर्रा की वस्तुओं को लेकर हाहाकार सा मचने लगा है। यहां रोज काम करने वाले और रोज किरानों का सामान खरीदने वालों पर खाने पीने की वस्तुओं को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाने की बात पता थी, लेकिन अचानक से 3-4 दिन का जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे लेकर हमारे परिवार को चाय तक नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हम रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को जल्द हमारे लिए कुछ करना चाहिए। वहीं जिला कलेक्टर जनता कर्फ्यू पालन करने की बात करते नजर आए हैं। हाँ, तो यही तो हम एक दिन का बोले थे तो हमने राशन ले लिए थे, ये दो दो दिन तीन तीन दिन तो गरीब दुरीब कहाँ जाएंगे, काम धंधे करने वाले हम, रोज के कुआं खोदो, रोज पानी पियो, हमारा तो यही है, सब बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे। हाँ, हम ऐसी तो हालत में रह रहे तो कहाँ जाएंगे, दुकानें बंद, बाजारें बंद, सब बंद, तो कहाँ जाएंगे बता। काम पे जाएंगे तो दो पैसा लाएंगे तो खाएंगे, खिलाएंगे बाल बच्चन को, नहीं तो कहाँ से खिलाएंगे। यही हमारा तो गरीबों का यही कहना है। मजदूरी करने जाते हैं तो हम बाल बच्चों को खिलाते हैं। आज हमको तीन दिन हो गए हम मजदूरी पे तो जा रहे नहीं है, घर पे बैठे हैं, बाल बच्चे सब भूखमरी हो रही है यहाँ पर। जो औरतें हैं यहाँ के वो बर्तन की काम करती है, जो वो भी जाने बंद हो गए तो कहाँ से खाएंगे हम। एक दिन का जो राशन लाए थे हमने, जो हमने बाल बच्चों के लिए दो दिन हो गए, अब दो तीन चार दिन के लिए 31 तारीख तक कह रहे हैं, हम तो बहुत परेशान हैं बाबू जी। ना तो दुकानें खुली है, ना चाय मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, ना पैसे है, हमारे लिए कुछ सरकार कीजिए। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।